देगा मुझे। मैं चंद्रमणि कुमार फ्रॉम बिहार, 10 साल का सफर रहा है जीवीसी में और तब से डायमंड डेजिग्नेशन पे हूँ। एक एक करके अब एक और बच गया है, वो क्राउन का है। आज बड़ा लाजवाब दिन था और सच मानिए जमील साहब ने कहा कि पर्व जैसा आज दिन है, बाकी में आज पर्व जैसा दिन था। हमने एक नया क्राउन पाया है, इसके लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी लोग कुछ ना कुछ अचीव करके आप यहाँ आए हैं, तभी तो आज यहाँ आप हैं। 70 लाख परिवार हो गए इसी जिवेश के और उनमें से आप चंद ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ अचीवमेंट करके आज यहाँ आए हैं। और पिछले आगे 2 दिन साथ रहेंगे भी हम लोग सब साथ एक साथ, बहुत कुछ आपसे हम सीखेंगे, बहुत कुछ हम आपको दे करके जाएंगे। एक अलग बात है कि लोग कहते हैं कि आप डायमंड हैं, डायमंड तो एक सफर है, नहीं आज हम हैं पलाव होंगे, ये तो मंजिल में आने वाले पलाव है। पर्ण हुए, ब्रेड हुए, सफायर हुए, फिर डायमंड हुए, आने बाद क्राउन होंगे, आप ही इस सफर को तय करेंगे। हाँ, एक बात खुशी मिलती है जब लोग मुझे डायमंड कहते हैं। इस डेजिग्नेशन के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां आ जाती हैं हम लोगों के साथ, जैसे रात के 2 बजे सोने के बावजूद भी सुबह 4 बजे उठना होता है, मन तो नहीं करता, बस डायमंड लेवल पे है तो कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं कि वो सुबह उठना ही पड़ता है। भय लगता है पर हम दिखा नहीं सकते आपको, क्योंकि ये जिम्मेदारी है डायमंड की, क्योंकि डायमंड एक ऐसा पद है जीवन में जिसको लोग फॉलो करते हैं। तो ये एहसास हम लोग को हमें होता है कि कहीं कुछ ऐसी मैसेज ना आपके पास चला जाए और आप यूएस के डायमंड शिप को आप थोड़ा समझ लें। तो हमें हर एक वो चीज जिम्मेदारी के रूप में करना चाहता हूँ और करना होता है। आज मुझे एक जिम्मेदारी मिली है, वो है प्रोडक्ट सेशन का। इसलिए सच मान लिया 19 साल 20 साल की कंपनी हो गई और इसमें सबसे बड़ा हाथ है इसके स्टेबिलिटी का, वो है इसके प्रोडक्ट। क्या आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी साहब। आप ही चंद ऐसे लोग होते हैं जो ये बता रहे होते हैं कि शर्मा ने जो प्रोडक्ट दिया इससे ये फायदा हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया इससे ये फर्क। कभी कभी तो मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि इंजीनियर बनाते बनाते क्या बना देता है कुछ समझ में नहीं आता, जिसके आगे मेडिकल साइंस हाथ उठा देता है कि यार मेरे पास ऐसी चीजें नहीं है। वैसे लोगों को ठीक होते दिखा गया है और ये मेडिकल है और ये आप ही तो बताते हैं हमें। आइए, ये पूरा सेशन समर्पित है प्रोडक्ट को लेकर के। क्या तैयार है इसके लिए? ये 4 लोग ये कहेंगे तो मजा नहीं आएगा साहब। हम लोग काफी दूर से हैं और मैं तो टीचर नहीं हूँ, हम लोग एक मित्र हैं और मैं चाहूंगा कि डिलीवर आपके तरफ से भी हो सके। क्या आप प्रोडक्ट सेशन के लिए तैयार हैं? वेरी गुड। ये बात हुई जीएम से बात। अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, थोड़ा है झुका बट एक सवाल है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? चाहिए लोग बाकी विरोध करना चाहते हैं? मेरा सवाल आप सभी से है, क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? तो जाने पहले सबसे पहले स्वास्थ्य है क्या है ना? हम भारतीयों की बहुत अजीब सी बात है, हम अगर चल रहे होते हैं, हम अगर खाना खा रहे होते हैं, हम अगर किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को समझा रहे होते हैं कि हम स्वस्थ हैं, है ना? बट सत्यता स्वास्थ्य ये नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात? स्वास्थ्य एक अवस्था है जिसमें इंसान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आंतरिक और विभिन्न तरीके से अच्छा अनुभव करता है, तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ मानते हैं। अदरवाइज अगर इन 5 चीजों में किसी भी एक चीज में अगर वो कमजोर पड़ता है तो वो स्वस्थ नहीं है। आप आकलन खुद से कर सकते हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं। ओके, चलो आज का सेशन है, हम स्टार्ट करते हैं और एक जोरदार तालियों के साथ
वेलकम टू द गेटवे ऑफ पर्सनैलिटी इज वेल्स का स्लोगन है प्रथम शुभ निरोगी काया देन दूसरा शुभ घर में हम आया। ये पर्सनैलिटी है जो आपको जरूरत से मिलेगी। हम मदद चाहेंगे आप इसको। आज चंद टॉपिक्स है जिस पे हम बात करने आए हैं। स्कोप ऑफ वेलनेस हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन इंडिया, सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ आयुर्वेदिका प्रोडक्ट, हाउ आयुर्वेदिका प्रोडक्ट वर्क्स, डिजीज बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन, हाउ कैन यू इंप्रूव सेल्स, ये पांच मैटर हैं जिसपे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कंफर्म। अभी हमने जाना स्वास्थ्य क्या है, अब हम जानेंगे रोग क्या है, तभी तो हम परेशान पाएंगे ना। हमारा वर्ग क्या है, एक्चुअली हम इस रोज में प्रोडक्ट किसी व्यक्ति को देते हैं तो ये डिसाइड करके देते हैं ना कि उस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब मान लो तेरा बाल झड़ने की समस्या में हम लीवर टूट दे रहे हैं, है कि नहीं, आप कह रहे हैं कि लगा लो आपके बाल आ जाएंगे तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा साहब, है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर इन प्रोडक्टों की जानकारी आप चाहते हैं तो सबसे उस पहले उस व्यक्ति की जानकारी आपको होना चाहिए जो आपके सामने खड़ा है, जिसको आप प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। आयुर्वेद में रोग को बड़े सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है और तीन दोष बताए गए हैं। तीन दोष, उसके पहले ये जान लें हमारा शरीर किन चीजों से बना है, तब आप जानेंगे वो दोष है क्या। कोई बता सकते हैं कि हमारा शरीर किन चीजों से बना है? सेल से तो बना ही है, बट ये आप मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। पांच तत्वों से सर। पांच तत्वों से, वेरी गुड। आप बता सकते हैं वो कौन कौन से हैं? जल, वायु, हवा। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। आकाश, ये पांच तत्वों से मिल करके हमारा शरीर बना है और इन चीजों में कहीं किसी एक तत्व में अनबैलेंस आपका बॉडी होता है, आप रोग से ग्रसित होते हैं। और इन चीजों, इन पांच चीजों को जो बांटा गया है, अब तीन दोष निकाले गए आयुर्वेद में जिससे आपका शरीर किसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, वो है कफ, पित्त और वात। अब मेडिकल साइंस में 1000 तरह के रीजन पता होगा आपको किसी डिजीज का, बट आयुर्वेद में सिर्फ तीन रीजन है जिसकी वजह से आपका शरीर रोगग्रस्त होता है। वो कौन से हैं? कफ, पित्त और वात। कोई बच्चा निमोनिया से पीड़ित है, खास रहा है बहुत, सांस लेने में तकलीफ हो रही है किसी एडल्ट व्यक्ति को, तो सीधे आपको यह समझने की आवश्यकता है और समझना है कि इसे किन चीजों की समस्या है, कफ की, तो आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट दे सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में जलन की समस्या है, पैरों में जलन की समस्या है, इंडाइजेशन फॉल्ट है, तो आपको सीधा सीधा समझना है कि उसे किस चीज की प्रॉब्लम है, पित्त की। पित्त का जो पोषण होता है हमारा मिडिल भाग होता है, ओके, और उसके बाद का जो है वो है वात। कोई पैरों में दर्द की समस्या कहता है, हाथ बटन में दर्द की समस्या कहता है, आलस की समस्या कहता है, तो वो समस्या है आपका किस चीज की, वात की। तो ये तीन मुख्य रीजन है जिसकी वजह से एक शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तब अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक पे, ओके। वर्ल्ड हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम काम कर रहे हैं, क्यों करें, इट्स ऑल राइट साहब, है कि नहीं, हम काम करें, क्यों काम करें भाई, हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं भेजते जिसका कोई कैरियर नहीं, हम आप क्यों काम करें किसी इंडस्ट्री के लिए, है कि नहीं। आइए क्या कहता है इंडस्ट्री, वर्ल्ड हेल्थ केयर इंडस्ट्री साइज इन इंडिया 18 लाख करोड़ एनुअल बिजनेस है साहब। आप सभी इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, याद कीजिए एक वक्त आईटी सेक्टर का था ना, कंप्यूटर फील्ड में बहुत सारे रोजगार थे और बहुत पैसा बनाया भी, अजीम प्रेम जी आज आपका बिल गेट्स कितना पैसा बनाया उसने, है ना। उसके पहले चले जाइए तो जिनके कई कारखाने हुआ करते थे, नहीं आपके जमशेदजी
टाटा बिरला ग्रुप ये सारे जो अमीर बने वो उस वक्त के हैं जब कारखाने वाले लोगों ने पैसा बनाया। उसके बाद फिर आ गया है कि सेक्टर वाले रिटेल सेक्टर वाले पैसे बना रहे हैं। और ये साइज है एमएम सेक्टर का साहब की हेल्थ डिवीजन का कि 18 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय सिर्फ आपके कंट्री में हो रहा है हेल्थ इंडस्ट्री। नेवर सीन रिसेशन इन एनी कंट्री। पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इंडस्ट्रीज को देखा गया तो किसी भी कंट्री में रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे हम कोई व्यवसाय खोलते हैं और हमें मंदी देखना होता है, हमें डिफीट होना होता है, सफलता के चांसेस कम होते हैं, बट हेल्थ इंडस्ट्री में देखा गया कि हमारी कंट्री तो छोड़िए साहब, वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हेल्थ सेक्टर में किसी तरह का रिसेशन नहीं पाया गया। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये ब्राइट फ्यूचर है 21वीं सदी का। एट दैट टाइम अगर आप हेल्थ इंडस्ट्रीज को आप कैरियर पकड़ते हो तो समझिए आप सही समय पे सही बिजनेस पकड़ रहे हो। ये दौर है, ये दौर है हेल्थ इंडस्ट्री का। ये जो प्रोस्पेक्टेबिलिटी कितनी शानदार चीज है। हम किसी व्यवसाय को जब ओपन करते हैं तो हमें उसके कस्टमर्स लाने पड़ते हैं, है ना। ये इंडस्ट्रीज ऐसा है कि आज आप जब ज्वाइन करते हैं और घर से निकल करके किसी को खांसते देखते हैं तो उसे कब से पकड़ा देते हैं, किसी का दांत दर्द की समस्या सुनते हैं पकड़ा देते हैं, है ना, किसी को भूख न लगने की समस्या से पकड़ा देते हैं। मतलब आपके मोहल्ले में इतने सारे प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे कि आपको किसी दूसरे मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर घर में मरीज आपको मिलेगा, हर एक आदमी आज किसी न किसी पीड़ा से पीड़ित है। वर्क ऑफ गॉडनेस ऑफ मैनकाइंड। शायद एक चीज होती है जिसको कहते हैं अंतरात्मा। आप वो काम करो ना जिससे आपका दिल दवाई करे। सच मांगो, आप बिजनेस करते हो तो आपका अंतरात्मा आपको अच्छा कहता है या नहीं कहता? आपको लगता है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो? बट नवादा वाले आप लोग को अच्छा नहीं लगता? आपको बिजनेस करते हुए अच्छा नहीं लगता है? तो फिर बात तो आपसे नहीं होती है साहब, मैं सिर्फ नवादा का नहीं, मैं आपसे नहीं कहा। फोकस बिजनेस सेगमेंट क्या करता है? रिकॉग्नाइज योर प्रोस्पेक्ट एज पर WHO सर्वे 30 to 20% सेगमेंट्स अराउंड 80% आर नॉट सेगमेंट्स। देखिए क्या कहता है, आप बिजनेस करने निकले हैं तो आपको मार्केट का ज्ञान होना होगा, है ना। मार्केट ये कहता है और हम मार्केट क्या ये WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 13 से लेकर 20% लोग ही इस संसार में स्वस्थ हैं। आप सोचो साहब, मतलब अगर इसकी रेशियो निकाले हैं, अगर 100 लोग बैठे पड़े हैं तो मात्र 13 से लेकर 20 लोग ही यहां स्वस्थ बैठे हैं। अदरवाइज 80% जो लोग हैं वो क्या है? वो लोग हैं जो नित्य पर एक कदम किसी न किसी गंभीर बीमारी की ओर बढ़ा रहे हैं। क्लियर? ये WHO का शब्द है। जैसे आप सुनते हैं डायबिटीज, आपने नाम सुना? सब नवादे वाले सुने हैं, आपने तो सुने नहीं सर। आपने डायबिटीज का नाम सुना है? Yes! ब्लड प्रेशर का नाम सुना है? Yes! अर्थराइटिस का नाम सुना है? Yes! अच्छा, तो आप मुझे एक बात और बताइए कि किस बैक्टीरिया और वायरस के काटने से होता है? ये किसी बैक्टीरिया और वायरस काटने से होता है? आज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है स्वास्थ्य लेट कर दिया आपने, पता क्यों कहता है? ये जितनी भी बीमारियां आज लाइलाज हो गई वो सिर्फ हमारे लाइफस्टाइल के द्वारा उत्पन्न बीमारियां हैं जिनको हमने किया है और उसके बिना हम भी खुद ही हो और कोई दूसरे बैक्टीरिया वायरस को नहीं कर सकते, है ना। और वही सर्वे करता है कि 80% तो वही लोग हैं जो नित्य प्रत्येक कदम बढ़ा रहे हैं किसी गंभीर बीमारी की ओर। और ये मेरा सर्वे नहीं है, ये WHO का सर्वे है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपके कंट्री में, आपके कंट्री की बातें बताता हूं, हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं। या आज मैं ये दीघा में
अगर मैं घूमू तो कम से कम 500 डॉक्टर मुझे मिल जाएंगे, पर कोई एक क्लिनिक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको यह बता सके कि साहब आप यह करोगे तो बीमार ही नहीं पड़ेगा। गौर करें साहब, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये आज का वर्ड नहीं है, ये किसी ने बहुत पहले बता के गया, ये बहुत पहले बता के गया, बट हम लोगों ने वर्ड के वैल्यू नहीं समझ पाए। हमें तो सिर्फ इस बात का लगता है कि बुखार करिए पैरासिटामोल खाओ, बस इतनी बात समझ में आती। गैस हुआ टेन रोटी खाओ, इतनी बात समझ नहीं आती। वो गैस क्यों हुआ, वो बुखार क्यों लगा, उससे बचाव कैसे करना चाहिए था, ये तो हमने सीखा नहीं, प्रॉपर नहीं भी होगा, है ना। आज से हम इस बात को बिल्कुल गांठ रखेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम हर एक वो चीज अपने हेल्थ के लिए करेंगे जिससे हम बीमार ना पड़े, यानी कि हम किसी का इलाज करने लग जाए। ओके, अवेयरनेस मीन्स ट्रेनिंग काउंसलिंग ट्रेनिंग। अवेयरनेस एक शब्द है, अवेयरनेस। किसी से पूछिए आप बीमार होना चाहते हो नहीं, तो आप इसके लिए क्या करोगे। आप किसी से पूछ लेते हैं आप बीमार होना चाहते हो, बोलता ही क्यों बीमार होना है, तो अच्छा बीमार नहीं होने के लिए आप क्या करना चाहते हो या क्या करते हो, उसके पास सवाल जवाब नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, या तो उसने कभी ध्यान दी नहीं या उसे किसी ने ध्यान दिला ही नहीं। हमारे समाज में, हमारे घर में आज भी हम बैठ के हेल्थ टॉपिक पे बात नहीं करते। जैसे मैं बात कर रहा हूं तो कुछ लोग ढीले हो गए, यार ये वाली बात पसंद है, मुझे तो नोट वाली बात सुननी पसंद है। आरोग्य वाटिका के पास एक अच्छी क्वालिटी
मेंट है प्रोडक्ट की। मैं 12 करीब 10 साल हो गया मेरा, मैं ये दावे के साथ और गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि इजी वेज में कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया कभी। और इसके साथ प्रसूर जेल प्रोडक्ट है, हमें लगता है कि हम सिर्फ दवाइयों से ठीक होते हैं, है ना। जब बताओ आप बीमार सबसे ज्यादा किन चीजों से होते हैं, आप अपने प्रसूर के टिप प्रोडक्टों से होते हैं। आपने गलत तेल इस्तेमाल कर लिया आपके बाल झड़ने लगे, आपने गलत चाय पत्ती पी ली आपको गैस की समस्या होनी होगी, है ना। आपने क्रीम गलत इस्तेमाल कर ली प्रॉब्लम स्किन की होनी होगी। बहुत सारी चीजें जो हम पहले इस्तेमाल करते हैं वो इतने ज्यादा डुप्लीकेट मार्केट में है कि हम प्रभावित हो जाते हैं उससे। कंपनी ने देखा कि सिर्फ दवाइयां बनाकर के आपको ठीक नहीं करनी है, आपको जो डेली यूज की चीजें हैं उसको भी क्वालिटी प्रेजेंट किया गया आपके सामने ताकि आपको बीमारी ना हो सके। ओके, ये हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव बैलेंस पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स रेंज सर्टिफिकेट साफ ये बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे सर्टिफिकेट हैं, ऐसे संस्था के सर्टिफिकेट है जिसका काम ही है किसी प्रोडक्ट को छोड़ बात करना। अब मेरी बात समझ रहे, ये चंद्रमणि डायमंड है, हर एक बाला अपनी दही को मीठा करता है कहता है, पर ये वो लोग हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो दही खट्टा है या मीठा है। और इन लोगों ने बजाज को प्रमाण दे रखा है 15 सर्टिफिकेशन है इस CGH के पास जो ये दर्शाता है इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी है। थोड़ी अच्छे से बैठ जाए प्लीज आप थोड़े, हाँ
प्लीज बैठे ऐसे जो कुछ ले सके, है ना। हमने एक बात पढ़ी कि हमारा शरीर दो तरीकों से बीमार होता है। एक तो हम इसकी साफ सफाई नहीं रख पाते, ख्याल नहीं रख पाते, दूसरा न्यूट्रिशनल लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, यानी जो शरीर की पोषकता चाहिए वो नहीं मिल पाता तो बीमार पड़ता है, दूसरा हम इसकी साफ सफाई नहीं रख पाते तो बीमार पड़ता है। आप देख लो साहब, आप स्नान करते हो ना, पढ़ते करते हो ना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हम फ्रेश रह सके, बेहतर रह सके, है ना। वो पांच दिन का घंटा जो स्नान ना किया हो उसके सामने आप बैठना पसंद करोगे? वो बुझा हुआ मरा सा दिखता है, नहीं जो पढ़े स्नान करता है उसके आप देख लो। चलो जो ऊपरी आवरण है आपकी, ये स्किन है, इसका वर्क सिर्फ इतना है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को ये ठीक रखता है। बाकी इसके नीचे जो ऑर्गन्स हैं आपके, नीचे का जो ऑर्गन्स है आपका, लीवर है, किडनी है, पिनक्रियाज है, लंग्स है, ऑर्टियन्स है, वस्त्रस है, ये जितनी सारे वर्क जो कर रहे हैं आपके बॉडी का, इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी किसके साथ? आपकी ना। पढ़े इसका तो कर नहीं पाते, इसकी तो कर नहीं पाते ना। हम आगे बताएंगे कि क्या है हमारे पास इसके सोर्सेस, क्यों हमारा प्रोडक्ट क्यों करता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं यूज के जो बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते हैं। ओके, रिजुविनेशन, रिजुविनेट वाले प्रोडक्ट भी हमारे पास है। जवान कौन दिखना नहीं चाहता है ना। आप अगर बुरे दिख रहे हैं तो सीधा सीधा एक तरीका है, आपके सेल्स रिजुविनेट नहीं हो पा रहे हैं। आप जो आहार ले रहे हैं या जो आपकी दिनचर्या है उससे आपके सेल्स रिजुविनेट नहीं हो रहे हैं। अब आपके बॉडी को कुछ और चाहिए, तो ऐसे प्रोडक्ट भी इजीवेज के पास हैं, हम चर्चा करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं डिटॉक्सिफायर्स। इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, अल्सर, कैंसर, लीवर डैमेज,
damage from radiation, brain problems, weak immune system, clotting, dry. सोच लो साहब, ये वो बीमारियां हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंसान मेडिकल साइंस करता है बस, जब तक हो तब तक हो, आपकी कोई गारंटी नहीं, एक्सपायरी डेट कब आ जाए आपका पता नहीं, आपको जॉब नहीं जाना है। ये वो बीमारियों का नाम मैं ले रहा हूं आपको। आपने देखा क्लॉटिंग कितनी भयंकर बीमारी है, ऐसे में आपका शोथम काम करता है, ऐसे में पोलियो आपका काम करता है। ओके नेक्स्ट, ब्लैक पीपल, दूसरा इंग्रीडियंट जो है हमारा वो है ब्लैक पीपल, द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अच्छा एक बार, हम लोग हॉल में उपस्थित हैं, yes! इसका प्रमाण कौन देगा? आपके साथ बुढ़ापा तो एक सच्चा
सच्चाई है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, पर बहुत दूर तक आपके चेहरे से दूर होगा रिलीफ फस रही होंगे उसमें। इसके लिए क्या करना होगा? और ये करना होगा। आइए फिर देखते हैं कीपिंग द स्किन विच कनेक्टेड एंड प्रिवेंट सन एक्ने। किसी भी तरह के चेहरे पे एक्ने जिसको हम लोग पिंपल्स वगैरह कहते हैं वो नहीं होगा। वेट लॉस, डिप्रेशन, मोटापा एक बहुत भयंकर बीमारी है, आप मानते हैं इसे? मोटापा एक बीमारी है, क्या मानते हैं आप इसको? yes! आप नहीं, वो वर्ल्ड मानता है। अगर मोटापा है सबसे पहला बीमारी होगा वो होगा ब्लड प्रेशर। आप लिख लो 100% चांसेस। अगर जो नई समस्या आ गई है तो कान फॉर्मेशन फॉर मेल पता है, तो किसी की समस्या हो रही है मोटापे से जिसको हम लोग कहते हैं नपुंसकता ड्यू टू ऑबेसिटी। अगर आपका वेट बढ़ रहा है आप उसको इग्नोर मत करना, बिल्कुल मत करना, मेजर 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 चीज है। ओके, और क्या करता है वो हमारा वेट को मेंटेन करता है। ओके, आगे तीसरा जो हमारा हाथ सब है शिलाजीत। शिलाजीत, शिलाजीत का नाम आते ही लोग ऐसा मुस्कुराना मुस्कुराहट आ जाती है, शिलाजीत बात करना नहीं चाहते, उनको लोग समझ लेते हैं किसी दूसरे घर में, वो तो है ही, पर शिलाजीत और भी कई चीजों में बहुत अच्छा काम करता है। अल्जाइमर का नाम आपने सुना है? अल्जाइमर नहीं, मैं बताता हूं, कुछ ऐसे बुजुर्ग आपने देखे हैं जो भूलने की बीमारी है जिनको, कोई चीज रख दिया उनको याद नहीं रहती है ना। अरे बुजुर्ग तो छोड़िए, मैंने बच्चों में देखा है, मैंने 22 वर्ष के टीनेजर को मैंने देखा है कि वो रख रहे मोबाइल कहीं उनको पता ही नहीं। ये जो भूलने की बीमारी है यही अल्जाइमर, और इसको हम ध्यान नहीं देते। छोटे बच्चे हैं तो पनिश कर देते हैं, अब बूढ़े हैं तो उनको दो ताना मार देते हैं कि सठिया गए हो गया, बट उन्हें ये नहीं पता लगता कि यार ये डिजीज से ग्रसित है, पोलियो की चाह। स्लोइंग डाउन द एजिंग प्रोसेस। अगर आप पोलियो एक बात मैं बता दूं, आप अगर जवान रहना चाहते हो साहब, एक लाइन ओलियो का, अगर कोई मुझसे पूछता है कि ओलियो क्यों पीना चाहिए, फटाफट बता दो, मैं एक ही चीज कहता हूं, तेरे को जवान दिखना है, यस यस ओलियो पीसा, क्योंकि ये बुढ़ापे की जो प्रोसेस है हमारे बॉडी का उसको बिल्कुल धीमा कर देता है। आप 7 साल में 24 की दादी पाओगे। डिमेंशिया, डिमेंशिया भी एक बीमारी है हमारे ब्रेन की जिसमें हमारे न्यूरॉन्स नष्ट होते चले जाते हैं। न्यूरॉन्स जो है हमारे मस्तिष्क का एक सेल है जो नष्ट करता चला जाता है, डिमेंशिया एक बीमारी है, और हम भूल जाते हैं, कहीं भटक करके जाते हैं, हमें अपना घर का पता भी याद नहीं रहता, ऐसी बीमारी को हम डिमेंशिया कहते हैं, और हमारा शिलाजीत उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर है पोलोमेंट्री एडीमा। अच्छा, आपने किसी ऐसे बंदे से पूछा है जिनके लंग्स में पानी भरने की समस्या हो, आप चेस्ट में पेन हो रहा है, खांसी आ रही है, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको डायग्नोसिस लिखा और डायग्नोसिस में निकला क्या आपको? पोलोमेंट्री एडीमा, दैट मीन्स हिंदी शब्द में आपके फेफड़े में पानी का भर है। बहुत कठिन इसकी इलाज है, बहुत कठिन, निडल से निकाले जाते हैं, बहुत दर्द होता है, तीव्र दर्द, और ये सक्सेस भी नहीं है, कुछ भी रह जाएगा और अंततः वो बंदा तड़प के मरता है, मरता नहीं शाम, तड़प के मरता है। शिलाजीत पूरे वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद में इस बीमारी के इलाज में जो सबसे अच्छा काम करता है वो है आपका शिलाजीत। ऐसे क्यों शब्द, ऐसे
not on your domain. 100% result, 100% result. Next, iron deficiency, male fertility, improve health, heart health, improve sexual health and performance, increase stamina and treat chronic fatigue. शिलाजीत आपको बहुत तंदुरुस्त भी रखता है, बाकी तो आप समझी नहीं। चौथा हाथ हमारा ब्लैक सीड, रेगुलेटिंग है बॉडी मास इंडेक्स, बहुत अच्छा रिलेटेड करता है, ट्रीटिंग एक्ने है, प्रिवेंशन एक्ने है, फिर और है ब्रेन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको स्वस्थ रखने के लिए है। और सिर्फ स्वस्थ ही नहीं, ये कई कैसे गंभीर बीमारियों से भी आपको बचाएगा जिसका इलाज संभव नहीं है। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जाकर तो खुदा से पूछेंगे कि कुछ और दवा दवा को क्यों नहीं भेजा तालियां बजाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज, बकरी कर वाला प्रोडक्ट है हमारा और इसमें डाला गया है।
का मिरेकल हाथ कर सकते हैं मार्ग में। मौजूदा एक ऐसा चीज है, दो तीन चीजें जो आयुर्वेद की है बड़ी कमाल की। एक तो मैं जिसको हम लोग कहते हैं ब्लैक सीड्स, बोले ना ब्लैक सीड्स, उसके बारे में कहा जाता है कि मौत के अलावा किसी चीज में दो काम नहीं करेगा। और दूसरे मोरंगा, मोरंगा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बनाते 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 और जब थोड़ा खींच गया ना, उसने कहा सब चीज एक ही में डाल दो, एक ऐसा चीज जो एक ही होकर के इंसान ठीक हो जाए। उन्होंने अलग अलग खान पीसों के लिए कितना पावरफुल प्रोडक्ट है वो मोरंगा, और जो डाला गया है ओलियो। बेनिफिट ऑफ ब्लूबेरी, अलग अलग बात करेंगे तो टाइम थोड़ी कम है हमारे पास। बेरीज, बेरीज का मुख्य काम क्या है, वो आपकी स्किन को बहुत शानदार रखता है। बेरीज आपने बेरीज खाए हैं? बेरीज मुख्यतः बेरीज वो चीनी आती है ना, चीनी वो लाल वाली, साढ़े 700 रुपए में 100 ग्राम है नहीं, और हम उसे लाते हैं और उसे खाते भी नहीं, गेस्ट रूम में रखते हैं ताकि लोग देखें अच्छा बेरी भी खाता है। वो एक बेरी ऐसा, उससे और महंगे कैक बेरी, और ये ओलियो में डाले गए 5 ऐसे बेरीज डाले गए ओलियो में जो सिर्फ ये काम करता है कि आप जवान दिखे, आपके चेहरे की मुखमंडल चमकता रहे, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश और शानदार दिखे। अच्छा झारखंड में
आपको जब कभी भी ये लगे ना कि अपन को सर्विसिंग की आवश्यकता है, आप कभी पी लेना साहब। पूरे वनस्पति विज्ञान में आपके बॉडी की सफाई करने के लिए कोई और प्लांट नहीं गॉड ने बनाया, सिर्फ एक बनाया हुआ है एलोवेरा। जितने भी आपका इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पता है इसमें पेनिट्रेशन की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि सेल के अंदर तक घुस कर उसकी सफाई करता है। इतनी ज्यादा ताकत सेल के अंदर होती है। राम के भगवान लोग क्या करते 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 पता है 33,000 करोड़ की कंपनी बना दी है सिर्फ एलोवेरा से। है ना, एलोवेरा सबसे वंडरफुल प्रोडक्ट। कभी आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कभी आपको गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी, कभी आपको एक्जिमा की समस्या नहीं होगी, कभी आपको सरदर्द की समस्या नहीं होगी। ये सब चीजों से बिल्कुल आप फ्रेश रहेंगे। तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स सही से पाए हैं इसमें, तो ऐसे ऐसे अमीनो एसिड्स मिले पड़े हैं जो हम मिल नहीं पाते भोजन से। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट एलोवेरा। ओके नेक्स्ट, एलोफिल। ये मोटापे के लिए बनाया हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट, जिसको आप इस्तेमाल कर सके ऐसे हो सकते हैं। किसी भी ऐसा शख्स जो नसों की समस्या से पीड़ित है, ओके, या थोड़ा थका मांदा रहता है, या कैंसर पेशेंट है, आप बेधड़क उसको लूनी दो। डिम्ड एंथैलिक ऐसा तत्व पाया जाता है लूनी में जो कैंसर सेल को मारता है, उससे लड़ता है। कैंसर पेशेंट के लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। या किसी को नस संबंधित कोई समस्या है, या पक्षाघात जिसको हम लोग कहते हैं पैरालिसिस, ऐसे पेशेंट को आप लोनी दे सकते हैं। ओके, और ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजीज पे काम करने वाला हमारा मेडिसिन प्रोडक्ट है, ये हमारा हेल्थ प्रोडक्ट है, हेल्थ टॉनिक, जो वैसे भी पीके फिट रहा जा सकता है। आप वो एक एक्ट्रेस आती है शिल्पा शेट्टी, एक फिल्म आई थी ना बाजीगर, वो जैसे उसमें दिखती थी आदमी भी वैसी दिखती है। टीवी मैंने पढ़ा एक बार, टीवी में पढ़ा नहीं सुना मैंने, वो बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि वो नोनी का इस्तेमाल करती है शिल्पा शेट्टी। और आज आप देखिए कितना जवान दिखती है। हमारे समय में होती तो शायद कभी चांस ले रहा था शादी वादी की। मुझे बता दें संसार का सबसे हैंडसम आदमी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अमृता, किसी भी ऐसे पेशेंट जो आपके पास आते हैं, या ऐसे महिला जिनको घाव बहुत ज्यादा होता है, एक्ने पिंपल्स बहुत ज्यादा होता है, आप उनको अमृता या ब्लड संबंधित कोई भी समस्या या पीरियड्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं में, वैसे कंडीशंस में अमृता बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। इट्स अ वंडरफुल मिरेकल प्रोडक्ट फॉर दैट रीजन। त्रिफला, ये हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ डाइजेशन सिस्टम पे है। त्रिफला, अगर त्रिफला देंगे तो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी होगी, वो जो कुछ भी खाएगा उसे डाइजेस्ट कर पाएगा वो बढ़िया, तो बॉडी ग्रो करेगी उसकी। क्यूरेटिव प्रोडक्ट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 3 हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरत की चीज है। ये किसी को के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो वट इवर, बट ये हमारे लिए हम सब के लिए पता कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी को ओमेगा चाहिए, ओमेगा 3 है ना, ओमेगा 6। और मजेदार बात है कि ये किसी भोजन में मिलता नहीं बजाय अलसी के बगैर, किसी अलसी बोलते हैं उसे, तीसरी में पाया जाता है और खराब मिट्टी के ब्रेन से निकाला जाता है, बट वो बहुत कठिन है। और सब लोग नॉन वेज तो है नहीं, हमारे पास बहुत अच्छा अलसी का बना होगा, तीसरी का बना होगा। ये आपके बॉडी में जिस नलियों के द्वारा आपका ब्लड फ्लो होता है ना, उसको बिल्कुल साफ करता है। कभी आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने ही नहीं देगा तो कभी हार्ट डिजीज ही नहीं होगा कभी। सुरक्षित रखना है, मजबूत रखना है, तो आपको हार्ट अटैक से मरना नहीं है, तो ज्यादा प्लीज।
छुटकाना होगा, हमें छुटकाना होगा आपके शुरू का। अर्जुन यह भी हमारा हार्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हमारा लीवर पेन। ऐसा व्यक्ति जिसको भोजन पचने की समस्या या भूख नहीं लग पाती, सिंपल सी बात मैं कहता हूं, वैसा व्यक्ति जो कहता है भूखी नहीं लगती, आपके पास उनकी शादी की 100% काम करेगा उसको। दूसरी बात, ये ऐसा नहीं कि उसको इंतजार कीजिए उसको यह करने का, लीवर पेन ऐसा है जो कम से कम हम लोग को 4 महीना प्रत्येक साल खुद भी खाना चाहिए। पता है क्यों? लीवर हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मजेदार बात यह है कि एरोपैथ साइंस ने इसके लिए कोई प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, कोई केमिकल लोचा नहीं है लीवर के साथ। बहुत ज्यादा होता है तो डॉक्टर से लीव 52 लिखते हैं, एक लीव 52 और एक एंजाइम, और बिल होता है 500 रुपए का। अपना लीवर पेन पता है कितने का है? 175 रुपए विथ एंजाइम। और इफेक्टिव प्रोडक्ट है, मैं अपने प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा लीवर पेन लिखता हूं, कल कल महीने का 500-600 हर बंदे को लीवर पेन, हर बंदे को इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है हमारा। नेक्स्ट, तुलसी, हमने भी चर्चा की इस पर। गिलोय को अमृता भी कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय हर्ष भी घोषित हो गया। ऐसा पुराना से पुराना फीवर भी अगर ना छूट रहा हो, हेमोग्लोबिन का स्तर अगर ना बढ़ रहा हो, तो आप गिलोय दीजिए साहब। और अगर ये गिलोय नूर के पेड़ पे चढ़ा हुआ है तो वो तो और समझिए सोने पे सुहागा है, और हमारे जो गिलोय का फॉर्मेशन है वो वहीं से है जो नीम के पेड़ पे चढ़ा होता है गिलोय। इसलिए हमारा प्रोडक्ट ज्यादा इफेक्टेड है किसी भी तरह के फीवर में, किसी भी तरह की हेमोग्लोबिन समस्या में, किसी भी तरह के लेडीज प्रॉब्लम में। अच्छा, घुटने की दर्द की समस्या हमें लगता है बहुत लोग ऐसे है ना। अच्छा, एक बार ताली हो रहा है आप लोगों। बहुत बात मिल गया कि मैं क्लास में बैठा हूं, ये मुझे बहुत गड़बड़ लगता है। अब मुझे हिसाब दिला कि मैं क्लास में कब नहीं हूं आपके जैसा। अच्छा, घुटने की दर्द की समस्या ये बहुत लोगों के साथ है, और इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि जिसे है उसे आप पूछ करके देखो साहब, बैठ गए तो उठ नहीं सकते, अब उठ गए तो और बैठे हैं जी ठीक है, वो बैठ नहीं सकता, इतना परेशान है वो आदमी। आप उसकी इलाज कर सकते हो साहब, आपके पास एक वंडरफुल प्रोडक्ट पैक, आप उसको दो ना, रिजल्ट आएगा, गारंटी ओरिएंटेड रिजल्ट है इसका। ऐसे तमाम प्रोडक्ट मार्केट में है, तो पता है बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो गई ऑर्थोपैथ के नाम पे, ये घुटने के दर्द के नाम पे पेस्ट में दिसन सुधार ना जाने क्या क्या बदलाव लाने वाला है, इतना इफेक्टिव नहीं जितना हमारा ऑर्थोपैथ है। 10 साल से तो चंद्रमणि देखता आ रहा है, कुछ तो आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा इस ऑर्थोपैथ के लिए जुदा था। प्लीज कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में बहुत जरूरत की चीज है, ये और हम खराब नहीं रह सकते क्योंकि हमारी हड्डियां जो है वो कैल्शियम से बनी हुई चीज है। और मजेदार बात यह है कि आपके बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपके शरीर से ही आपकी बॉडी खींचता है, मतलब आपके शरीर से ही वो खींच लेता है कैल्शियम, और आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आप थोड़ी से कूदेंगे और आपके पैर टूट गए, अब प्लास्टर आगे टूट नहीं गए, धनात्मक कैल्शियम लिखे जा रहा है, डॉक्टर कुछ होना जाना है, ये नौबत क्यों आएगी? क्योंकि आपके पास इजी क्या है, आप मत करो वो चीजें, आप साल में कम से कम 2 महीने इजी केयर जरूर खाया करो। और मजेदार बात यह है कि इस इजी केयर में हमारा कैल्शियम की भी पूर्ति हो जा रही है और आयरन की भी पूर्ति हो जा रही है, दोनों मिक्स करके होना चाहिए। डायबिटीज क्या है? हमारा देश डायबिटीज कैपिटल घोषित हो गया है, इतने 6 में से 1 बंदा डायबिटीज से पीड़ित है, 6 में से 1। अब सोच लो इजीनेट के और बाकी प्रोडक्ट छोड़ दो तो डायबिटीज बनने लगे तो घूमने लगे ना साहब, करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, इतना नींद करना दामू इसी का टैबलेट फॉर्मूलेशन है। किडनी पथरी हो गया हो, पेशाब में जलन की समस्या हो, किडनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए मार्वेलस प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया किडनी केयर के नाम से। बीपी राइट, किसी की बीपी बढ़ गई तुरंत उसको पिलाइए,
फिर तुझे कटा कर, ये रुपया से ज्यादा काम होता है बुद्धि के हमारा। हम आपसे गुजारिश करने की जरूरत कम है, दांतों की किसी भी समस्या
समस्या पैरिया मसूड़े से ब्लड आना, सांस से बदबू आना, दर्द होना अगर है कुछ ना करो, आप उसे सिर्फ ऑक्सीजन करो। डेंटल किसी भी तरह की प्रॉब्लम में जो बहुत अच्छा काम करेगा, साथ ही साथ कटिया छटिया जलिया वहां लगा सकते हो, सभी क्रीम की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, सर में दर्द भी खत्म करता है। अगर गैस बन जाए तो कुंडली पानी में घोल के तो पी सकते हैं आप, पीछे तत्या का किया वहां पर लगा भी सकते हैं आप, घाव बदला हुआ वहां भी लगा सकते हैं। तो कितनी बच्चे की जान में भी इतना तो काम करता है, ये और क्या काम करेगा। अंठानवे रुपये में अगर इतनी चीजें मिल जाए तो सोचो कितना बेहतर चीज आपके लिए। और अगर ये बात आप दूसरों को बताए तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ना कहेगा, है ना। बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है साहब, किसी भी तरह आप उसको दे सकते हो। ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जिसमें चंद्रमा ने गारंटी के साथ छाती ठोक के कहता है तो ले जा, अगर नहीं ठीक हुआ तो दे सकता, अगर ठीक हो गया तो 3000 रुपये गारंटी के साथ कहता है, गारंटी के साथ। ये कुछ है प्रोडक्ट कब से हमारा बगैर एल्कोहल का और बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है। कुछ लिखे हैं मैंने, एप्लीकेशन है ये मेथड में कैसे कैसे लेना है। वो हर डिजीज में वो डरा है कि पपाया मेगा सी अर्जुना गाली, ये कुछ कम्बिनेशन है प्रोडक्ट के। ब्लड प्रेशर में क्या लेना है, एथराइटिस में क्या लेना है, डायबिटीज में क्या लेना है, एसिडिटी प्रॉब्लम हो गया तो क्या लेना है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो क्या लेना है, ये कुछ कंपोजिशन है जो अलग अलग प्रोडक्ट आपको देना है जिससे रिजल्ट बहुत तेजी से आते हैं। अभी हमने जाना और जाना इस हेल्थ को हम इस बेस के माध्यम से कैसे पा सकते हैं और किसी रोगी को कैसे निरोग कर सकते हैं, ये तीन चीज जानना हमने। हाँ, कोई चंद्रमणि में इतनी ताकत नहीं है कि आपको बदल सके। ये एक सेशन था एक घंटे का, ये मेरा काम था बोलना। अब ये कितना आपके जीवन में इफेक्ट करता है, आप इसको कितनी अमल करते हैं, रिजल्ट उस पर निर्भर करता है हमारे बोलने और आपके सुनने से। मैं अक्सर एक चीज देखता हूं, वैसे मैं कह सकता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि हम आपके बीच रहते हैं, आप जैसे जिंदा दिल लोगों के बीच रहते हैं, आप जैसे स्वप्नदर्शी लोगों के बीच रहते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और ये उससे भी बड़े गर्व की बात है कि हम इजी वेज में रहते हैं। बस थोड़ा सा मैं वहां पे आवाज मेरे नीचे को जाती है और मैं थोड़ा मायूस हो जाता हूं कि चीजें जितनी मैं पाता हूं उतनी डिलीवर नहीं कर पाता। मुझे ये पक्का गारंटी के साथ कहूंगा कि जितनी चीज अभी आपके पास डिलीवर हुआ है आप उतनी बात किसी से बोल नहीं पाओगे। ऐसा होता है, पता है एमएम इंडस्ट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रही वो ये रहा कि नॉलेज हम पा तो लेते हैं बट हम उसे डिलीवर नहीं कर पाते। जैसे आज आप इस होटल से निकलेंगे कोई बंदा लंगड़ा के चल रहा होगा, हम उसे पूछेंगे नहीं। कोई बंदा खास रहा होगा, हम उसे पूछेंगे नहीं। अब हमने तो आप देखे कि अपने मोहल्ले के लोगों से बात नहीं करते। आपके मोहल्ले में सैकड़ों बीमार लोग हैं, सैकड़ों, और आप उससे बात नहीं कर पाते। इजराइल का जो देना था वो तो दे दिया, एक ऐसे नायाब प्रोडक्ट जिसके साथ रिश्ता जोड़ करके आप नाम शोहरत पैसा सब कमा सकते हो, लेकिन कमाओगे तब जब आप आपकी चर्चा करोगे तब। हाँ,
बोलेंगे अगर मैं ये रखूं, अगर खराब हो गया तो देखो कहीं कर दिया तो है कि नहीं। आप अपने बच्चे की वो दवाई ला करके देते हो जो दो गोली काट के देता है, डॉक्टर की बात बता रहा हूं, दो गोली काट के दिया, न उसका नाम का पता न उसका एक्सपायरी डेट का पता, और आप अपने बच्चे को खिला देते हो। आपने उसकी सर्टिफिकेट चेक करी? आपने उसकी एक्सपायरी डेट देखी? नहीं। लेकिन वो होता आ रहा था, आप करते जा रहे, क्योंकि मैं दे रहा था आप दे रहे थे, आपको जब देने की बात आई तो आप शर्म महसूस की, आपका बिजनेस यही खत्म हो जाता है। देर को प्रोडक्ट में अगर एक प्रोडक्ट को पकड़ लिए ना एक, बाकी को मारो मेरे पीछे, तब भी करोड़पति बन जाओगे, तब भी काबिलियत रखता है। और इतनी ताकि 10 में से 8 बंदा दूसरा दोबारा फिर आपसे मांगता है। दो तो कोई माए बाप है नहीं साहब, बच्चे में से एक बच्चा वैसे भी बागी हो जाता है बाप माँ से, तो वो अलग बात है। लेकिन ये मैं कुछ अपने 10 साल के अनुभव की बात कहता हूं। मैं अगर 10 साल टिका तो ड्यू टू प्रोडक्ट, okay।